हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टॉक मार्केट एनालिसिस की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज राहुल। आज हम आईटी सेक्टर के एक स्टॉक का एनालिसिस करेंगे जो निफ्टी 50 का भी पार्ट है। इस स्टॉक का नाम है इंफोसिस लिमिटेड। ये स्टॉक के एक डाउन ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा था, उसके बाद इसने एक रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन दिया है और अब अपसाइड पे मूव करने के लिए रेडी हो गया है। इस पैटर्न को मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है, इसका टारगेट कैसे निकलता है, ये पैटर्न कैसा है। आप पुराने वीडियोस में जाके इसका डिटेल वीडियो देख सकते हैं। अगर इस पैटर्न की हम बात करें तो पहले इसने एक बॉटम बनाया था, उसके बाद ये इसने यहाँ पे नेकलाइन बनाया था, सेकेंड बॉटम बनाया था और अब अपसाइड पे ब्रेक करके रिटेस्ट करेगा और मूव कर सकता है। इस पैटर्न का नाम है डबल बॉटम। अगर आप इस पैटर्न को समझेंगे तो यहाँ पर इसकी एक नेक लाइन है, यहाँ पर हमको दो कंफर्मेशन मिल रहे हैं इस स्टॉक के बुलिश साइड के लिए। पहला कंफर्मेशन यह है कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है, दूसरा कंफर्मेशन यह है कि इसने डबल बॉटम पैटर्न बना के ऊपर गया है, अब रिटेस्ट करेगा और अपसाइड पे मूव कर सकता है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम सेम स्टॉक को देखेंगे तो यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस को भी बहुत बार रिटेस्ट कर चुका है और अब बहुत चांसेस है कि इसको ब्रेक कर सकता है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है वो एज अ सपोर्ट का काम करता है और एज अ रेजिस्टेंस का भी काम करता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ब्रेकआउट हुआ एज अ सपोर्ट काम किया और यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। जब भी कोई रेजिस्टेंस 3 या 4 बार टेस्ट हो चुका रहता है तो चांसेस रहते हैं कि अब वो ब्रेक हो सकता है। पहली बार यहाँ पे टेस्ट हुआ, दूसरी बार यहाँ टेस्ट हुआ, तीसरी बार यहाँ टेस्ट हुआ और चौथी बार यहाँ टेस्ट करके एक बहुत अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन बनाया और अपसाइड पे मूव करने के लिए ये रेडी हो रहा है। स्टॉक फंडामेंटल्स भी अगर इस स्टॉक के हम चेक करते हैं तो फंडामेंटल्स भी इस स्टॉक के बहुत अच्छे हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी मार्केट कैपिटल क्या है, डिविडेंड एंड ऑल, ये सब आप देख सकते हैं। जो मेन मेन क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था, जैसे प्राइस टू बुक वैल्यूज आप चेक कर सकते हैं, प्लेज परसेंटेज क्या है, डेप टू इक्विटी क्या है, इंटरेस्ट कवरेज एरिया भी मैंने एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छा है। कंपनी के पास इतना सरप्लस अमाउंट है कि अगर ये कुछ टाइम प्रॉफिट नहीं भी कर सकती है तो ये सर्वाइव कर सकती है एटलीस्ट। ओपीएम 5 ईयर्स जो है वो भी 25.2 स्टॉक पीई के नियर बाय है तो कंसिडर कर सकते हैं। अच्छी चीज इसकी ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ये यहाँ पर अपसाइड पे मूव कर रहा है, किसी भी टाइप का कोई डाउनफॉल यहाँ पे नजर आया नहीं है। यहाँ पर अभी तक के 24407 सीआर का बिजनेस कर चुके हैं और एक क्वार्टर और पेंडिंग है अभी। अगर आप नीचे पे इसका शेयर होल्डिंग्स का पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर्स भी बहुत अच्छे हैं, एफआईआईज डीआईआईज इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर है, कौन से म्यूचुअल फंड पे ये कंपनीज है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको डिटेल्स बहुत सारे मिल जाएगी, एफआईआईज किस तरीके से बाय कर रही है, कैसा क्या है, यहाँ आपको पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। अपसाइड पे अगर इसके टारगेट की हम अगर अपसाइड पे बात करें तो ये जब भी ये लेवल निकालता है इसका रेजिस्टेंस लेवल, जो लेवल इसका 1650 का है, अभी तो ये बहुत अच्छा बुलिश दिख रहा है, तो इसका अपसाइड पे टारगेट क्या होना चाहिए? अपसाइड पे टारगेट जो है, जो इसका पहले आप टॉप और बॉटम को पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए। जैसे टॉप और बॉटम इसका ये निकल के आया, इसके बीच का जितना भी वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू जो है ये 400 रुपीज की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है, तो टॉप से आप यहाँ पर 400 रुपीज मिनिमम का टारगेट कंसिडर कर सकते हैं, जो कि इसके ऑल टाइम हाई के को ब्रेक भी करेगा और अपसाइड पे मूव भी कर सकता है। अगर ये स्टॉक यहाँ से निकलता है 1650 के ऊपर, कुछ टाइम ये वाले जोन पे भी टाइम स्पेंड करेगा और उसके बाद डायरेक्टली यहाँ से निकल के अपने एक नए टारगेट की साइड पे, नए ऑल टाइम हाई पे मूव करेगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, पुराने वीडियोस जाके देखिए जिसमें मैंने फंडामेंटल से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड बहुत छोटे छोटे प्राइस एक्शन के पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।